Now in the next one it says find out the number of acute angles in each of the figures below. हमें क्या करना है, acute angles find out करने हैं सारे figures में. First वाले में हमारा क्या हो जाएगा, this would be my first angle, acute है, less than 90 degree. Second हो गया ये हमारा, and we have only three in the first diagram. First figure में तो हमारे पास कितने हो गए, three acute angles आ गए. B वाले में three तो है ही है, थ्री के बाद और ऐड ऑन हो जाएंगे इसमें, फोर हो गया, फाइव हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, एट कैन बी देयर, नाइन कैन बी देयर, टेन कैन बी देयर, इलेवन कैन बी देयर, ट्वेल्व कैन बी देयर. तो हाउ मेनी आर देयर इन द फिगर बी, ट्वेल्व. सी पार्ट में हमारे पास कितने हो जाएंगे, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन, दिस इज एट, दिस इज नाइन, दिस इज टेन, 11, 12, 13, 14, 15 are there, 16, 17, 18, 19, 20, 21. In all we can understand कि हमारे last part में कितने आ रहे हैं, 21 are there. अब इन्होंने हमसे आगे भी कुछ question extend किया है. They are saying what will be the next figure and how many acute angles will it have. Do you notice any pattern in the numbers? अब देखो पहले वाले के पास 3 थी, दूसरे के पास 12 थे, नेक्स्ट के पास 21 थे. तो हमारा पैटर्न कैसा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में. 3 से 12 के बीच का डिफरेंस 9, 12 से 21 के बीच का डिफरेंस 9. तो नेक्स्ट वाले फिगर में पक्की बात है कितने होंगे, 30, क्योंकि 21 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 30. अब हम डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. ना सबसे पहले तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक अ ट्राइंगल इन बिटवीन इट. सेकेंड ट्राइंगल हमारा बनेगा, दिस इज डन. अब इसके बाद क्या होगा, हमारा अदर ट्राइंगल वुड बी मेड, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्राइंगल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं विद द पैटर्न. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली कितने एंगल्स हैं हमारे, 30. यू कैन काउंट एज वेल. ठीक है, पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है हमारा एक तो, और दूसरी बात आप काउंट करके भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि 30 आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे. एंड दिस वुड बी द फिगर, नेक्स्ट फिगर.